मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और दिन की शुरुआत हो गई है। मैं आपको पहले टाइम दिखाती हूँ। टाइम बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं 5 बजे उठ गई थी। और आपको दिखाती हूँ, अभी भी हल्का हल्का अंधेरा है। ये आपको उजाला लग रहा है मगर हल्का हल्का अंधेरा है। ये देखिए, अभी सूर्य भगवान उधर से नहीं दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स ना, ठंडा होने लगा अच्छा खासा। सुबह ज़्यादा ठंडा लगता है, शाम को तो खैर इतना नहीं, अगर बाहर निकलो तो लगता है घर के अंदर नहीं, मगर सुबह अच्छा खासा ठंडा होने लगा है। अब मौसम जो है वो चेंज हो गया है। और लखनऊ में तो खैर नवंबर लास्ट और दिसंबर जनवरी ऐसी ठंडी होती है, बस ज़्यादा ठंडियाँ नहीं होती हैं। मगर पापा की तरफ तो अभी पापा जब आए हैं तो अक्टूबर लास्ट में, मतलब अक्टूबर से ही ठंडी शुरू हो गई है। आपने देखा ही था, मैंने हल्का फुल्का सा वो शॉल लिया था। और यहाँ पे भी अब मौसम चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कल रात में क्या हुआ। कल रात में पापा खाना खा के सो गए थे और मैं और कबीर एडिटिंग कर रहे थे। कबीर जब पढ़ाई कर लिया तो एडिटिंग कर रहा था, तो कबीर और मैं जैसे ही बस लेटे ही थे, तो देखिए मच्छर आ गया स्क्रीन पे। तो जैसे ही हम कबीर लेटे थे तो ऐसा लगा कि कोई बेड हिला रहा है। तो मुझे लगा कि पापा का मेरे थोड़े से वज़न वो है ना, तो मुझे लगा शायद पापा करवट लिए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ है। तो मैं फेस इधर करके लेटी थी, कबीर इधर। तो मैंने कहा, बाबू क्या नानू हिले थे क्या, करवट लिए थे? तो कहने लगा, नहीं नानू तो ऐसे ही लेटे हुए हैं। तो मैंने कहा, बाबू मतलब अच्छा खासा महसूस हुआ। तो कबीर ने कहा, मम्मी भूकंप आया। तो मैंने कहा, फिर मतलब समझ ही नहीं आया, ऐसा लगा कि बेड नीचे से कोई हिला रहा है। तो कबीर ने कहा, इनके पापा तो जैसे आपको पता है कानपुर में ही थे। तो कबीर ने कहा, मम्मी ऐसा कुछ होता है तो इनके मेरे फ़ोन में पता नहीं क्यों अलर्ट नहीं आता है और सबके में आ जाता है। तो कबीर ने कहा, मम्मी तुरंत पापा को फ़ोन करो, इनको ये सब चीज़ का ज़्यादा पता रहता है ना। तो इसने हम लोगों ने किया फ़ोन, तो इन्होंने कहा, नहीं 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 आया है। तो मैंने कहा, अच्छा हो सकता हमारी गलतफहमी हो। तो अच्छा, एक पल मैं मन में सोच रही थी कि शायद मेरी गलतफहमी होगी, मगर कबीर को कैसे लगा, कबीर को भी लगा कि कोई बेड हिला रहा है। तो मेरा भूकंप की तरफ ध्यान ही नहीं आया। तो इनको जब फ़ोन किया तो इन्होंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही फ़ोन रखा, इन्होंने जो भी मैसेज ये भी न्यूज़ जो भी देखा हो, तो इन्होंने तुरंत 2 या 3 सेकंड में तुरंत कॉल किया कि हाँ गुड़िया आया था, तुम सब लोग नीचे चले जाओ, क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं ना। तो कहने लगे कि अब पापा गहरी नींद में थे, दवाई खा के सोए थे, अब कैसे उठाए पापा को। तो पीछे पड़ गए कि नीचे जाओ नीचे जाओ, क्योंकि मेरे पापा को चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। कह रहे अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम तो पापा को उतार भी नहीं पाओगी। तो हम लोग रात में पापा को नीचे ले गए, तो हम सब लोग नीचे ही सोए थे कल। तो उधर से दीदी लोगों का भी फ़ोन आ गया कि आया था, ज़रा ध्यान रखना। तो तन्मय ने वही ग्लास वाला जो नहीं होता है, क्या बोलेंगे उसको, सेटअप, या जैसे भूकंप जब आता तो पता लग जाता है, तो वो ग्लास वाला वो सब करके रखा था, एक के ऊपर एक ग्लास बिल्डिंग बना के। तो अभी मैं कभी तो बस फिर नीचे सब जब सब मिले तो वही सब बातें होने लगी। तो कल सोते सोते फिर से देर हो गई और मेरी आँख खुली सुबह 5 बजे। फिर मैं कबीर को लेके अभी ऊपर आ गई हूँ और कबीर फिर से सो गए हैं। और मैं कबीर को उठाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बात करते करते वरना देर हो जाएगी ना। आपसे बात करो तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, हमारी जैसे ही मुझे पता लगा कि भूकंप आया तो मैं तुरंत बाहर निकली। तो मैंने कहा, ऐसा कुछ होता तो सब निकल आते ना, मगर हमारी सोसाइटी में तो एक बंदा बाहर नहीं निकला, लगता सब 11:30 बजे ही सो गए थे। तो फ्रेंड्स, चलिए कबीर को जगाते, स्कूल का टाइम हो रहा है ना, आज का मैथ्स का टेस्ट है। और ये देखिए कबीर, इसको जगाते हैं। कबीर बाबू, उठ जा बेटा,
फ्रेंड्स, कबीर भी रेडी हो गया है और ऑटो वाले अंकल आ गए हैं, नीचे खड़े हैं। और मैं तब से कह रही जल्दी करो जल्दी करो, ये नाच गाने अपना कर रहे हैं। ये देखिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं लेट हो रहा हूँ इसीलिए आज ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ तुम वैसे भी कौन सा ज़्यादा बात करते हो। ना। और फ्रेंड्स, कबीर जा रहा है, उसको करते हैं बाय। ये देखिए, उसके ऑटो वाले अंकल जो हैं खड़े हैं, वो 10 मिनट हो गया है। मैं इससे कहती हूँ जल्दी करो जल्दी करो, मगर ये आराम आराम से करता है। अब ठंडी आ गई ना, इसकी आँख भी देर से खुलती है, वरना उठ जाता था जल्दी। बाय। आज इसका मैथ्स का टेस्ट है। बाय। तो फ्रेंड्स, कबीर भी जा चुका है स्कूल, मैं जा रही हूँ नीचे। देखे पापा उठ गए होंगे ना, तो उनका मैं ले लेती हूँ ब्रश। पापा का ब्रश मेरे ख्याल से ये वाला है। ये नाश्ता वाश्ता कुछ देते हैं, मिलते हैं आपसे नीचे। नीचे मिलते हैं। हेलो गाइस, और वी राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। फ्रेंड्स, आपको दिखाते, मैंने बताया था ना तन्मय ने जो वो भूकंप वाला वो कैसे पता लग जाता है, वो बिल्डिंग जो बनाई है, दिखाते हैं आपको। हाँ, बड़ी मम्मी कह रही पिरामिड बोले। ये देखिए, जरा सा हिलेगा तो सब गिर जाएगा। इसके चाचा ने वहाँ से ऑर्डर दिया, तन्मय ऐसे करो, तो वो खैर उनकी बात तुरंत मानता है। तुरंत उसने गाड़ी वाड़ी जो रास्ते में खड़ी सब बाहर की, ऐसा कुछ हो तो तुरंत निकल जाए। और ये पिरामिड भी तुरंत बनाया। और पापा से पूछते हैं कल हबड़ सबड़ कैसा रहा। मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। हेलो गाइस। हाँ, कल रात में सिमरन कह रही है कि जब भूकंप आया तो पापा मम्मी लड़ रहे थे। अंकल सारा दिन तो लड़ते हैं, ये रात में भी नहीं सोने दे रहे। क्या हुआ था कल? कल हुआ ऐसा गाइस कि हमें लगा कि जमीन हिल रही है। दो बार हमको ऐसा लगा कि जमीन हिली। फिर हमने कहा नहीं, हमें ही ऐसा महसूस हो रहा है। फिर मैंने सिमरन के पापा से कहा कि सिमरन के पापा जमीन हिल रही है, तो वो कहते हैं तुम मेरा बेड हिला रही हो पैर रख के। तो हमने कहा मेरे में इतनी ताकत कहाँ कि हम तुम्हारा बेड हिलाएंगे। तो कहते नहीं, तुम मेरा बेड हिला रही हो। तो ऐसा लगा था बेड कोई नीचे से हाँ, हिला रहा ऐसा बहुत लगा कि तेज। मैं हिल रहा है। हाँ फिर ऊपर से फोन आता है पूनम का कि भूकंप आया क्या? तो हमने कहा हाँ लगता तो है भूकंप आया है। फिर उतने में ही भगदड़ मच गई कि भैया जल्दी। सब लोग एक दूसरे में कह फिर रहे कि तुम हिला, जैसे हाँ, मैंने कहा कि पापा लगता करवट लिया, ये सोची कि भैया। फिर गाइस ये हुआ कि फिर हमारी बिटिया कहने लगी कि ऐसा है मम्मी, पहले नानू को नीचे लेके आओ। हाँ, ने नानू को तो लाने में दिक्कत हो जाएगी, हम लोग तो भाग लेंगे, नानू कैसे कैसे आएंगे? नीचे आएंगे? लेके आओ, गाड़ी बाहर करो, सब कुछ करो, रास्ता साफ करो ताकि हाँ, नानू को ना सब निकल प्रॉब्लम। ले फटाक से। तो सबसे पहले हमने नानू के लिए परेशान थी कि वो हाँ, पर नानू को लेके आओ, वो नीचे लेटे, हम लोग कैसे भी एडजस्ट हो जाए। पापा नाश्ता। हेलो गाइस, आइए नाश्ता करिए मॉर्निंग का, उसके बाद में दवाई खाऊंगा। तो आज पापा नाश्ता नीचे कर रहे हैं, और सामने जो वो है पंप है वो अभी तक बना नहीं है। तो सामने जो रहते हैं ना, वो हमारे घर से पानी ले जा रहे हैं। और मैंने इनसे मजाक में कहा एक बाल्टी के मैं 10 रुपए लूंगी। तो पापा को करने देते नाश्ता, पापा बताएंगे सब्जी कैसी बनी है। पापा सब्जी कैसी बनी है? बैगन आलू हमारी खानदानी सब्जी है, हमारे घर में सबको पसंद है बैगन आलू। चलिए फ्रेंड्स, अभी फिर देखते हैं ऊपर का, थोड़ा सा जाके काम वाम जल्दी निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, शाम का समय हो गया है, हम लोग भी नीचे ही सो गए थे। नीचे ही मैं भी आ गई थी, पापा भी रात से नीचे ही हैं। तो अभी पापा का दोपहर से मन हो रहा है समोसा खाने का, तो आज भैया भाभी दोनों लोग मिलके बना रहे हैं समोसा।
और दोपहर में मैंने इसलिए कुछ वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बगल में जो मकान बन रहा है ना, तो उधर ऐसा लग रहा था मशीन गन चल रही है, मजदूर लोग क्या बोलते हैं, क्या चला रहे थे तन्ना, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन, तो वो लग रहा था जैसे मशीन गन चल रही है, तो इसलिए दोपहर भर कुछ भी शूट नहीं किया और हम लोग फिर नीचे ही आ गए थे। पापा तो रात से ही नीचे थे और आपको मिलाते हैं आज, कबीर से मिले हैं सुबह आप ना। तो देखिए ये सब लोग वेट कर रहे हैं समोसे का, बड़ी बेसब्री से। भाई हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब बने और हम कब टेस्ट करें उसको। तन्मय भी वेट कर रहा है ना, और ये कबीर है, और कबीर दिखाएंगे कैसे बन रहे हैं, है ना, तो लाइए चलिए मैं समोसे। दिखाता हूँ। बड़े पापा हाय करो, हाय। हाय वो बड़ी मम्मी, हाय। देखिए बड़े पापा बड़ी मम्मी समोसे बना रही हैं। समोसे बन रहे हैं यस, कैसे कहते हैं? समोसा स्पेशलिस्ट हैं ये हम लोग। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग काफी, का समोसा बहुत ही फेमस है, बहुत से लोग पसंद करते हैं, हाँ तो इसलिए हम अपने बच्चों को घर में ही बना के खिलाना पसंद करते हैं। तो जब तक बड़ी मम्मी लोग समोसे बना रहे हैं हम लोग बैठ जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस दीदी अभी मम्मी नहीं को, आते सॉरी पाए, अभी मम्मी तो देर पढ़ा हो रही हैं, जाएगी। ये देख सकते हैं है ना, ये तैयार हो मम्मी गए, हैं और यहाँ दीदी आ चुकी हैं, पुराना वाला ये मम्मी पढ़ा रही हैं। सिमरन को आने में टाइम लगा ना, तो उसके स्टूडेंट को मैं पढ़ा रही थी। अब सिमरन आ गई, सिमरन टाइम का, पढ़ा रही। ये टाइम से पहले आ गई है, ये टाइम से पहले आ गई, कितने बजे आती है? 4 बजे का टाइम है, मतलब कि पहले तो आ अभी गई है। 4 मिनट पहले आ गई है। ओके ओके वो अंदर का तब तक स्टेटस दिखा दो, कहाँ तक आते हैं। हाँ क्या बन रहा है? तो गाइस हम आपको दिखा देते हैं, तब तक मैं फिर से आ गया हूँ। तो कढ़ाई में, कढ़ाई में, कढ़ाई में, कढ़ाई में फोकस मारे आप लोग। देखिए यहाँ समोसे तलने के लिए डाल चुके हैं बड़े पापा, ठीक है। अभी तो निकल आएंगे तब हम दिखाएंगे आपको हाँ कैसे हैं। हाँ 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 ओके ओह माय गॉड, समोसे बन रहे हैं, यस यस यस। इसमें रंगी हुई है देखो। लाइए ले लाइए बड़े पापा, ये देखिए बड़े पापा समोसे ला चुके हैं, आइए। कटोरी बैठ गई, कटोरी जरूरत पड़ेगी क्या? ये देखिए टोटल 8 हैं, 80 रुपए के समोसे। शेप तो रुपए दिखाओ शेप आप देख सकते हैं कितना फ्रेंड्स, परफेक्ट देखिए शेप देखिए, हाँ लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला। और पापा देखिए सतर्क हो गए, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं लो पापा नानू का। जी उठ चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। नहीं बिल्कुल मार्केट वाले। अच्छा हाँ दीदी जी की स्नैप स्ट्रीम चलती है, स्ट्रीम ना स्ट्रीम नहीं स्ट्रीक, स्ट्रीक चलती है तो वो टूटी नहीं ऐसे उठा चाहिए। के ये देखो घर नानू में ऐसे हम लोग नहीं बना पाते। है नानू, नानू ये क्योंकि प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल इसीलिए। बहुत तेज भूख लग रही है, चम्मच ले लो। तो फ्रेंड्स देखा आपने, समोसे बिल्कुल मार्केट के जैसे बने और टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। और ये देखिए, ये देखिए चटनी भी है, और ये दोनों हरी तरह की चटनी भी है, टमाटो सॉस भी सॉस है। भी है, मिर्च हाँ चलो कबीर शुरू करते हैं। गाइस मम्मी ने बोला है कि सबके दो दो हैं क्योंकि चाचा के लिए भी रखना है। सबके दो दो हैं, चाचा अभी आए नहीं है। हाँ कहता मैं, मम्मी ने क्या कहा कि सबके दो दो समोसे हैं क्योंकि चाचा के लिए भी रखना है, हाँ। चाचा भी आए नहीं है। ये देखिए कितना परफेक्ट कहाँ लग रहा है, देखिए कहाँ पहुंचे वैसे चाची। इस पे अगर आप देखें कितना परफेक्ट लग रहा है, इसमें देख सकते हैं एक अच्छे समोसे में एक अच्छा कोने होते हैं, अच्छा आलू होता है और अच्छा वो तो, पापा मांग रहे हैं दही, अभी तन में से मैं ऊपर से मंगाती हूँ, ऊपर दही रखती हूँ। चलिए खा, चटनी है धनिए की और ये चटनी है टमाटो केचप। हाँ और पापा कह रहे हो दही से खाने को ना, दही ऊपर रखी है तो तन्मय लेने गया, अब पापा खा रहे हैं, टेस्ट बताएंगे कैसा टेस्ट है। बहुत बढ़िया,
बाजार वाला लगा। कबीर कैसा टेस्ट है? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। और शानवी भी खा रही है वहाँ पे, ट्यूशन वाली भी लड़की स्टूडेंट वो भी खा रही है। तो पापा के लिए तो हमें दही ले आता है, वो खाते हैं और हम लोग भी खाते हैं। अब टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं ना, चलिए अब खा के भी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं कानपुर से आ चुका हूँ, करीबन 8:30 बजे के आसपास आया था, फिर नीचे ही बैठ गया था। वहाँ चाय वाय पी, सभी लोग नीचे थे घर के सारे मेंबर्स, गुड़िया, कबीर और कबीर के नाना, तो वहीं फिर चाय वाय पी, फिर ऊपर आया, हाथ मुंह धुला। हाथ मुंह धुल के अब तैयार हो चुका हूँ, मतलब अब खाना बन रहा है रात का। आइए देखते हैं रसोई में गुड़िया क्या बना रही हैं। ऐसे मुझे पता है क्या बनना है, आइए आपको भी दिखाता हूँ। और गुड़िया ने आप लोगों को, आपसे टच में रही आज दिन भर, हैं कल भी, क्योंकि मैं 2 दिन व्यस्त था कानपुर में। ठीक है, आइए देखते हैं रसोई में। तो दोस्तों ये देखिए गुड़िया ने बनाई है, क्या बनाया है, खिचड़ी। गुड़िया ने बनाई है फ्रेंड्स खिचड़ी, क्योंकि अभी शाम को आपने देखा था ना, ये तो सैलेड है और मुझे में लंबी ही काटते हैं। ये खिचड़ी बनाई है हरिंदर की दाल की, है ना, दही और सैलेड, खिचड़ी और थोड़ी सी बैंगन आलू की सब्जी है, दही है और रोटी। और रोटी तो इन्हीं के लिए बनेगी, मैं खाऊंगी नहीं। और क्योंकि आपने देखा था समोसे बने, बहुत टेस्टी बने समोसे, है ना। तो पापा ने भी कहा खिचड़ी इनकी तो फेवरेट ऑल टाइम है ही खिचड़ी, तो ये भी टाइम से आ गए थे, गरम गरम समोसे इन्होंने भी खा लिए थे। तो खाना वाना खाते हैं फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फ्रेंड्स खाना खाते हैं, आज हम लोग करते हैं आपको, आज हम लोग करते हैं। तो दोस्तों अभी खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग मतलब यहीं पे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि कल है संडे और छोटे भाई की है कल सगाई, तो हम लोग को सबको निकलना है। हम लोग वहाँ भी आप सबको दिखाएंगे कि सगाई में कौन कौन आ रहा, फंक्शन है बड़ा, हमारे घर का ही फंक्शन है वो। ठीक ना, वो कानपुर से आएगा छोटा भाई, और चाची अच्छी काफी गेस्ट रिलेटिव भी रहेंगे, सिस्टर विस्टर सब रहेंगे, तो कल खूब मजा आने वाला है। कल आपने इनके छोटे भाई को तो देख लिया, अब देवरानी को, हमारी नई देवरानी को देखिएगा, जो हमारे घर का नया मेंबर है उससे भी मिलाएंगे और उनके फैमिली मेंबर से भी मिलाएंगे। जो जो हो सकेगा हम बिल्कुल ब्लॉग को शूट करेंगे और आप सबसे मिलाएंगे, और आप लोग भी सुबह जल्दी तैयार हो जाइएगा हमारे साथ चलने के लिए। ठीक है ना, तो आपको भी ले चलेंगे वहाँ। ठीक है ना दोस्तों, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट।